अब तक आपने देखा। जरा देखिए सुल्तान, कैसे रजिया अपनी जिंदगी के सुनहरे ख्वाब बुन रही, लेकिन उसे सुल्तान बना के आप उसकी ये खुशी छीन लेंगे उससे। हो सके तो अपने इस फैसले पे गौर फरमाइएगा सुल्तान। अगले महीने के पहले जुम्मे की रात को हमने इनका निकाह तय किया है। अब आगे। अब तो आप फंस गए हैं मोहतरमा, रिहाई की कोई उम्मीद भी नहीं है। रिहाई की तमन्ना भी किसे है जनाब? कैदे बामुशक्कत हमें मंजूर है। माफ हो सुल्तान, तो एक बात कहें, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना लगे हाथ दिल्ली सल्तनत के तख्त के होने वाले दावेदार का ऐलान ही कर दीजिए। खफा ना हुई है, छोटा मुंह बड़ी बात, वक्त कब रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। पर आपकी तबीयत भी नासाज है, इसलिए हमने सोचा अगर कभी कभी आप सही वक्त पर सही बात कह जाती हैं। हम ऐलान करेंगे। यहाँ मौजूद सभी मोहतरम और हजरात को हमारी गुजारिश है कि जरा गौर फरमाएं। सुल्तान अल्तमश आज इस खुशी के मौके पर एक खास ऐलान करना चाहते हैं। आइए हुजूर आला। आप सबका ज्यादा वक्त न लेते हुए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। आप सब ये जानना चाहते होंगे कि हमारे बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बनेगा। कौन होगा जो इस तख्त व ताज के दावेदार होंगे, जानना चाहेंगे आप? जानते हैं कि इन तीनों में से कोई भी इसके लायक नहीं है। तीनों के तीनों नकारा है और नाकाबिल हैं। अबू को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। शहजादे मोइजुद्दीन, शहजादे इकबाल और शहजादे रुकनुद्दीन को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इन्हें आप पहचानते हैं। इन तीनों के अलावा एक दावेदार और भी है। जो हुनर में इनकी बराबरी कर सकता है, इन्हें कांटे की टक्कर दे सकता है।
चौथा दावेदार कोई और नहीं, हमारी आंखों का नूर, हमारा गुरूर, शहजादी रजिया। शहजादी रजिया, शहजादी रजिया, शहजादी रजिया। नादिरा बेगम, ये क्या मजाक है? यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं सुल्तान, ये क्या मजाक है? शहजादी रजिया, आपकी बेटी एक लड़की, दिल्ली सल्तनत के तख्त की दावेदार, यही कहा था ना आपने? हमने कहीं कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? बेशक हमने यही कहा था। अगर किसी और ने ठीक से नहीं सुना है तो हम फिर से दोहरा देते हैं, शहजादी रजिया दिल्ली सल्तनत के तख्त की चौथी दावेदार है। क्षमा प्रार्थी हूं सुल्तान, परंतु इतिहास गवाह है, आज तक कोई भी लड़की शासन करने के लिए इस तरह गद्दी पर नहीं बैठी, और एक लड़की सुल्तान बनकर हम सब पर राज करे, ये संभव नहीं। क्यों नहीं है? क्या ये जरूरी है? जो आज तक नहीं हुआ वो कभी नहीं हो पाएगा? क्या एक नया इतिहास नहीं लिखा जा सकता? क्या एक नई शुरुआत नहीं की जा सकती? आपका हुक्म सर आंखों पे सुल्तान, लेकिन क्या ये आवाम आपके फैसले को मानेगी? जो आवाम पहले ही रजिया को नकार चुकी है, क्या वो उसे अब अपनाएगी? यही तो हम जानना चाहते हैं कि क्या ये आवाम रजिया को अपनाएगी या नहीं, हमारे इस फैसले की कदर करेगी या नहीं। नहीं सुल्तान, हमें आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। सुल्तान, आपका ये फैसला आवाम के लिए एक मजाक बनकर रह जाएगा। अब वो एक लड़की से हम लड़कों का क्या मुकाबला? अरे हम लड़कियों को सजा धजा कर रखते हैं, अपने पैरों की जूतियां बनाकर रखते हैं। आप उसे दिल्ली तख्त पर कैसे बैठा सकते हैं? अब हाँ सुल्तान, अगर आपको अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत है तो उसे जेवर, गहने, कपड़े लगते, अच्छा घर और तो और अच्छा शोहर भी आप दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली का तख्त ये दहेज नहीं हो सकता।
बेइज्जत होते हुए हम नहीं देख सकते सुल्तान। आप किस एक फैसले से चिंगारी भड़क उठी है। इससे पहले कि ये चिंगारी आग बनके सबका दामन जला दे, हमारी आपसे गुजारिश है सुल्तान, अपना ये फैसला वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए सुल्तान। सुल्तान अल्तमश के इतने भी बुरे दिन नहीं आए वालिदा सुल्तान। एक बार फैसला लेने के बाद उसे वापस लेना पड़े। हमने जो एक बार कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हमारा एक एक लफ्ज दिल्ली सल्तनत का कानून है। अब चाहे आंधियां आए या बिजली गिरे, हमने जो कह दिया अब वही होगा। ये सब शहजादी रजिया का किया धरा है। लड़कियों का इस तरह महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं है। शहजादी रजिया ने पहले भी सुल्तान बनने की कोशिश की थी, उस वक्त उनकी दाल ना गली, मगर अब अपने अब्बू को भावनाओं में फंसाकर सुल्तान बनने का ख्वाब देख रही हैं। यदि आवाम ने उन्हें सबक सिखा दिया होता तो ये नौबत ना आती। बस बहुत बोल लिया आप सबने। हम आप सबको एक बात बताना चाहते हैं, अब्बू के इस फैसले से जितनी हैरानी आप सबको हुई है उससे कहीं ज्यादा हैरान हम थे। पर आप सबको इस तरह से बोलते हुए सुनकर हमें लगता है कि अच्छा ही हुआ कि अब्बू ने हमसे पहले नहीं पूछा। पहले अगर हमें बता देते तो शायद हम मना कर देते, और अगर हम मना कर देते तो कभी भी ये ना जान पाते कि आप सब औरतों को किस हिकारत की नजर से देखते हैं। उस औरत को जिसने आपको पैदा किया, जो आपकी परवरिश करती है, पालती है, पोसती है, उंगली पकड़कर आपको राह दिखाती है, आपको सही और गलत की तालीम देती है, आपको उस लायक बनाती है कि आप इस जमाने में सर उठाकर खड़े हो सके। हम आप सबसे पूछते हैं कि आज अगर उन्हीं औरतों में से एक औरत आपकी सुल्तान बनती है तो उसमें क्या गलत है। औरतों के लिए दिल में इतनी नफरत क्यों? क्यों नहीं बन सकते हम सुल्तान? मर्दों से किसी भी मामले में कमजोर है? अगर एक औरत इस सल्तनत की सुल्तान बनती है तो क्या आप सबकी मर्दानगी कम हो जाती है? कि किस तरह की सोच है, कैसी बेतुकी बातें हैं ये? शहजादी रजिया, हमें लगता है इन बातों को आप तूल नहीं देनी चाहिए। सबने अपनी राय, अपनी मर्जी इस मुद्दे पे रख दी है। पर अभी हमारी राय, हमारी मर्जी बाकी। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सुल्ताने हिंद सुल्तान अल्तमश की बेटी और मरहूम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की पोती शहजादी रजिया आज सरेआम ये ऐलान करती है
कि दिल्ली सल्तनत की दावेदारी का मुकाबला हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, तहे दिल से कबूल है। जो मर्दों की बनाई इस दुनिया में तिल तिल कर रोज जीती हैं, रोज मरती हैं। ये ऐलान हम अपने अब्बू और हर उस वालिद के नाम करते हैं जो अपनी बेटियों पे अपने बेटों से ज्यादा यकीन करते हैं, ज्यादा भरोसा करते हैं। ये ऐलान हम उस बदलाव के नाम करते हैं जिसकी सोच हमारे अब्बू से आई है और जिसकी मिसाल हम बनकर दिखाएंगे, दिखा देंगे इस वतन, इस सरजमीने हिंदुस्तान को कि इस दिल्ली सल्तनत की सुल्तान एक औरत भी बन सकती है। एक औरत के साथ मुकाबला करके हम अपने आप की बेइज्जती नहीं करवा सकते, फिर चाहे वो औरत अपने आप को मर्दों के कितना ही बराबर क्यों ना समझे, पर तख्त और ताज के खातिर एक औरत के साथ लड़ाई हमें मंजूर नहीं। मैं भी रजिया की ये दावेदारी, ये मुकाबला मंजूर नहीं। उसूलों के मुताबिक अगर आपको ये मुकाबला मंजूर नहीं है तो रजिया इस तख्त की चौथी दावेदार होने के नाते खुद ब खुद इस तख्त की हकदार बन जाएगी। क्या आपको ये गवारा होगा? आप तो बहुत समझदार हैं, जरा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। अगर आप इस मुकाबले में बने रहे तो शायद एक औरत को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से रोक सकते हैं, नहीं तो यह मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इस मुकाबले में बने रहे तो शायद एक औरत को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से रोक सकते हैं, नहीं तो यह मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हमें कोई एतराज नहीं है अबू, हम मुकाबला करेंगे और कांटे की टक्कर देंगे। हम लड़की है तो क्या हुआ, आखिर है तो एक दावेदार ही। रिवायतों और दस्तूरों की खातिर हम भी लड़ेंगे। भाईजान, अभी आप हाँ कह दीजिए, इसको तो हम सब मिलकर बाद में निपट लेंगे। ठीक है, हमें मंजूर है। आप सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत किसी की जागीर नहीं है, इस तख्त को पाने का सिर्फ एक ही पैमाना है और वो है काबिलियत। अब इस तख्त के चार दावेदार हैं और बहुत जल्द इन चारों में मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा और जो भी ये मुकाबला जीतेगा हुकूमत उसी की होगी, सुल्तान उसे ही बनाया जाएगा। आप सबको
कुछ कहना है? दखलिया